ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। आर्यन की जमानत याचिका पर लगातार 3 दिन सुनवाई करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन समेत 3 आरोपियों को बेल दे दी है। बता दें कि आर्यन को शुक्रवार की रात जेल में काटनी होगी और शनिवार को वो बाहर आ सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन को जमानत मिलने पर बॉलीवुड सेलेब्स ने खुशी जताई है। आर माधवन ने ट्वीट कर लिखा, शुक्र है भगवान का। तो वहीं एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा, समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद राहत मिल गई है। बता दें कि आर्यन करीब 25 दिनों के बाद अपने घर मन्नत आ पाएंगे। क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार से कहा गया है कि वानखड़े के खिलाफ फिलहाल कठोर कदम नहीं उठाएं, गिरफ्तारी के लिए 3 दिन पहले नोटिस दिया जाए। दीपावली से पहले सीएम योगी ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने दीपावली से ठीक पहले राज्य कर्मचारियों को 30 दिनों के बोनस भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। बता दें कि इस मामले पर सुनवाई 3 नवम्बर को होगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि भ्रम में मत रहिए कि मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे, भाजपा भारतीय राजनीति में दशकों तक बनी रहेगी। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के आरोप में गिरफ्तार छात्रों के समर्थन में महबूबा मुफ्ती उतर गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने आगरा के एक कॉलेज से गिरफ्तार किए गए कश्मीरी छात्रों को तत्काल रिहा करने की मांग की है। बता दें कि इन छात्रों को यूपी से गिरफ्तार किया गया है। देश में एक बार फिर कोरोना सिर उठाने लगा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है, जिसके साथ ही सरकार ने कोरोना दिशा निर्देशों में कहा है कि उन कार्यक्रमों में खास सतर्कता बरती जानी चाहिए जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। रूस में कोरोना महामारी कहर बनकर टूट रही है। रोजाना संक्रमण के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए रूस की सरकार ने राज्य में 28 अक्टूबर से 11 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।